चौकी बंधौरा थाना माड़ा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अवैध मादक पदार्थ गांजा 53 किलो, 800 ग्राम कीमती 10,76,000 रुपए का जब्त। सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए अवैध मादक पदार्थ के क्रय विक्रय पर पूर्ण अंकुश लगाए जाने के लिए जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को विशेष अभियान के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उसी कड़ी में माड़ा पुलिस की भिधौरा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने बताया कि आरोपी शातिर अपराधी है, मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ा गया है और इनसे मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है व इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसमें जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस इसमें जोड़ी जा रही है, इसमें पता किया जा रहा है कि गांजा जो है कहाँ बेसिकली भेजना था इनको और कहाँ से लाया गया है। अभी तक जो पुलिस ने जो लाइनअप किया है उसमें छत्तीसगढ़ के जो सूरजपुर जिला है वहाँ से गांजा लाना जो है इसके द्वारा बताया गया है, किस व्यक्ति से गांजा लाया है और वो कब से जो है इस प्रकार की सप्लाई कर रहा है, सभी तथ्यों को कड़ियों को पुलिस जोड़ के उसमें कठोरतम कार्रवाई कर रही है।